गाड़ियों का लाइनअप देखो भाई साहब, कितनी गाड़ियां यहाँ पे। बस दोनों ही जीत के लिए तैयार कर रहे हैं और हो चुके हैं। जीतनी जीत रहे हैं हम इस बार। मां कसम खा रहा हूँ, 3-4 लोग थे और आज भगवान का कसम खा रहा हूँ, आज 150 बंदे, इतना दम है कि 150 बंदों की रैली कैसे ले जा रहे हैं। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग, होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा रहना, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी का सीन ही है कि अभी जा रहा हूँ मैं कॉलेज फिर से। 3 तारीख इलेक्शन की डेट आ चुकी है, तो मगन भाई अपने पीएस के लिए उठाया जैसे सबको पता है, तो भाई को जिताना है। और अपने जीएस के लिए दीपक राणा भी उठाया, तो 2 पर्सन ऐसे हैं जो हमें डीवीएस में चाहिए, तो प्लीज़ आप उनको वोट करना एंड सपोर्ट करना। गाइस अपने शिवम भाई आ चुके हैं, क्यों ना उड़ी को डाल रखा, क्यों ठंड लग रही, ठंड लग रही तेरे को, इतनी धूप लग रही है वहाँ। और भाई ना यहाँ से निकल रहे हैं हम, शिवम से डाल डाला, मैं तो टी शर्ट में चल रहा हूँ और मैं तेल लेके भी जा रहा हूँ, क्योंकि भाई ड्रायर तो मेरा ख़राब हो चुका है। जब स्कूटी में बैठेगा ना, तो चलते चलते मेरे बाल भी सूख जाएंगे, फिर रुके रुके जाते हैं, इसलिए मैं तेल भी लाया हूँ, तो आराम से तेल लगाएंगे ना। ओके भाई, हम आ चुके हैं कॉलेज में, और कॉलेज में आज खतरनाक सीन चल रहा है, और आज डीएवी में फ्रेशर है ना, तो इसलिए सारे जितने आर्यन के बच्चे हैं या फिर आर्यन से जुड़े हैं वो जाएंगे आज डीएवी। सारी गाड़ियों का लाइनअप हो चुका है, और जितने भी आपको टीम दिख रही सारी आर्यन की है। पहले ना डीवीएस में आर्यन के बहुत कम लोग थे, बट आज की डेट में देख सकते हो आर्यन का क्या भपका मचा रखा कॉलेज में। और कॉलेज में आर्यन का भपका मचा रहा है भाई, भपका। गाड़ियों का लाइनअप देखो भाई साहब, कितनी गाड़ियां हैं यहाँ पे। कि भाई कैसे हो आप, क्या बोल रहे हैं, आज जहाँ एक बंदा खड़ा नहीं होता था आज 100 बंदे खड़े हो रखे हैं। हो गए रे, किसी और के भीड़ किसी और के। राउंड मार के जाएंगे पूरा एंड तक, पूरा एंड मारेंगे और तब जाएंगे अंदर। कैसे हो भाई, बढ़िया है भाई। ये हमारे रोहित भाई हैं, ये इलेक्शन जिताने में पूरी मदद कर रहे हैं भाई। मैं न्यूट्रल हूं इलेक्शन में, उठ नहीं रहे, पर गाइस जिताने की पूरी इनकी वो है, और हमें बहुत खुशी है कि मगर नेगी की जीत की चस्किया दीपक, और हमें दीपक राणा को भी सपोर्ट करना है गाइस, फुल सपोर्ट करना है दीपक राणा को। हमारे लिए मगर और दीपक दोनों ही जीत के लिए तैयार कर रहे हैं और खो चुके हैं। जीतनी जीत रहे हैं हम इस बार भाई जी, जीत चुके हैं, जीत चुके हैं बस ऐलान होने बाकी है। क्यों भाई जी, 4 तारीख आपको दिख जाएगा भाई कि कॉलेज में कौन सी पार्टी आने वाली है। भाई हमारे आर्यन से जुड़ रहे हैं, भाई आर्यन पार्टी के बारे में कुछ बोलोगे, भाई ने सिस्टम बिठा रखा। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ, ਚੁੱਪਰ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨੀ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ। ਆਏ ਅਮਾ ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਜਾ, भाई मैं सोच रहा था मैं पीछे से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ बंदे सारे एकदम निकल गया। अरे भाई क्या हो रहा है, वही तो समझ नहीं आ रहा। फाइनली हमने डीएवी में एंटर कर लिया है, और आपने देख लिया होगा भाई एंट्री क्या तगड़ी हो रही है कसम से। आज का सीन ये हो रहा था कि भयंकर की पहाड़ के लोग हर जगह छा रहे हैं। ये चीज पता क्या है, अगर आप ईमानदारी से लोगों के लिए लगे रहो ना, एक ना एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। आज ये है हमारा कमाया हुआ, ये भाई सामने देखो भाई, जिंदाबाद।
भाई ये कार लड़ता है और ये जितने भी हैं सारे डीवीएस के बंदे, सारे के सारे डीवीएस। गाइस आप नारेबाजी सुन सकते हो भाई, पहाड़ के लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं और भाई कितना कुछ कर रहे हैं। देख के अंदर तो यार मैं ब्लॉग नहीं बना सकता क्योंकि वहाँ कॉपीराइट के लिए मार जाएगा, बट आपको ना डीएवी कॉलेज में दिखा सकता हूँ। डीएवी कॉलेज पूरे देहरादून में एक मात्र कॉलेज है जहाँ पे भाई अंदर पुलिस चौकी ना, वो पहले भी बता चुके हम तो कोई नहीं, फिर से बता देते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं डीएवी में? यार 15-16 हज़ार। 15-16 हज़ार भाई बहुत बड़ा कॉलेज है। पूरे देहरादून में ना लड़ाइयाँ भी इसी कॉलेज में होती, उससे ज़्यादा क्या जहाँ एक टाइम पर गोलियाँ भी चलती थी, इस टाइम पर भी चलेगी। मकान जीतेगा ना भाई, गोलियाँ चला देंगे, कोई नहीं। और हमारे साथ है दो खूबसूरत लड़कियां, देख सकते हो एक फ्रेम में। दोनों ने मास्क पहना है, क्यों पहनते भाई लड़कियां मास्क ऐसा? क्योंकि हमें पसंद है। पसंद नहीं है, तुम सकले नहीं दिखाना चाहते हो कि तुम इतना सुंदर हो ना। ये भाई मास्क उतार दो यार, ब्यूटी ब्यूटी प्लीज। मैं तो उतार सकती हूं, उतार देगी। क्यों को पता नहीं, मेरे फेस में वो हो रहा है। अच्छा फेमस लोग हैं। अच्छा अच्छा सही बात है, फेमस लोग हैं ये। हां लोग पहचान लेंगे, यहां भीड़ लग जाएगी। नहीं क्या हो गया भयंकर, बीटीएस फैन भी आ जाएंगे हमारे साथ दो चार। चलो क्रस का नाम बताओ। यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, मैं ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। तुम कहां जा रहे हो भाई? वापस आई हो? ठीक है गाड़ी देके। मैं नहीं आ रहा। क्यों? अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। फोन मत उठाया कर, मुझे सपना थोड़ी ना आ रहा था। जोशी भाई तुम किसका सपोर्ट कर रहे हो? और दीपक लगेड़ा जी भाई, डीएवी में तो सापड़ से दीवार, जो मेहनत करेगा उसको। अच्छा और डीवीएस में तो जानते ही हो जिसके। आप नाम बोलो। नाम मगन नेगी। और कौन है गाइस? कैसे खत्म हो चुकी है, बट अभी दिक्कत है गाड़ी की। गाड़ी बस दो है हमारे पास और जाने वाले 8 जने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अबे डिमरी भी तो है यार, डिमरी डिमरी उसी के साथ आए। मैं तो साथ, मेरा तो वही है, हम सब। हम तो बस तब हैं जब काम आएंगे। अपना काम बनता बाढ़ में जाया जाता है। ओके भाई मैं आ चुका हूँ घर पे, मगन के रूम पे, यानी यहाँ पे आजकल हम सारे टीम मेंबर रह रहे हैं और काफी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि साथ में सब एकदम संघर्ष कर रहे हैं। और अभी का प्लान ये, अभी जा रहा है अर्पित अपनी किसको मिलने, आंटी आंटी। तुम्हें मैं एक चीज चेक कराता हूँ गाइस, गाड़ियों का काफिला देखो यहाँ पे। ये देखो मतलब कार्यालय के बाहर भी। कौन सी चप्पल? कोई बात नहीं, भी आ रहा है तुरंत, आ रहा 10 मिनट के अंदर। तो भाई हम जा रहे हैं रिस्क में, भाई बाइक चला रहा है, अनकंफर्टेबल, बहुत अजीब सी है। रोहित भाई को ब्रेक नहीं मिल रहा। अबे यार जदों जी नूं होंदा कि तेल पै